यू हैव टू फील बेटर रमन, ऐसे कब तक चलेगा? हाउ डू आई फील बेटर? इशिता की हेल्प करना चाहता हूँ, कुछ कर नहीं सकता, सो हेल्प ऐसे यार। यार इशिता इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, वो अपना दर्द छुपा लेती है, मैं नहीं छुपा सकता। कहते मनोज जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी ना, तब से लोग इशिता को बांझ बुला रहे हैं। हमें पता नहीं वो औरत कैसे झेल लेती है, पर मैं नहीं झेल सकता अब यार। यदि मनोज कोई तो रास्ता होगा ना इशिता को मैं खुशी दे सकता हूँ, कुछ तो कर सकते होंगे हम। रमन, मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक रास्ता अभी भी है जिससे इशिता माँ बन सकती है। Are you serious? इशिता प्रेग्नेंट हो सकती है, इशिता माँ बन सकती है। कोई भी रास्ता हो मनोज, I am okay with everything. Please, please बता। How is it possible? इशिता के ट्रीटमेंट के दौरान हमने उसकी ओवरी से कुछ एग्स रिट्रीव कर लिए थे, जिन्हें फ्रीज कर लिया था हमने। आजकल काफी औरतें ट्रीटमेंट कराती हैं। I mean, अगर उन्हें लेटर ऑन स्टेज में बच्चा चाहिए तो they have an option. I'm sorry, Manoj, मैं थोड़ा सा confused हूँ, but can you specify it, please, थोड़ा सा clear? Surrogacy. Yes. यही हमारे पास एक पॉसिबल ऑप्शन है। चांसेस हैं कि इशिता माँ बन सकती है। मतलब मेरा और इशिता का बच्चा रमन, सरोगेसी में ये होता है कि बच्चा आपका ही रहेगा, तुम्हारा और इशिता का, लेकिन वो पलेगा किसी और औरत की कोख में। हम जानते हैं इशिता का वूम कमजोर है, राइट? तो हमें यही बच्चा, यही पॉसिबल, यही चीजें किसी और औरत के कोख से पॉसिबल करनी है। इट्स अ वेरी वेल नोन टेक्निक रमन। मनोज यही तो बात है ना यार, इशिता को मैं यही वाली खुशी देना चाहता हूँ जो एक माँ महसूस करती है जब 9 महीने तक अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है। रमन तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये पुरानी बातें हो गई हैं। अरे हमारा दिल कमजोर होता है, हम एक वेल्व लगाते हैं, राइट? किडनी खराब होती है, हम किडनी रिप्लेस कर देते हैं, या तक कि आंखें भी चेंज कर देते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? मां बनना फिजिकल से ज्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस है। मेरा और इशिता का बच्चा किसी और के पास। यू डोंट वरी, हम इशिता के फर्टिलाइज्ड एग्स किसी और औरत की कोख में रखेंगे, वहां से उस बच्चे को जो पोषण चाहिए वो मिलेगा, दैट्स इट, बच्चा तुम्हारा ही रहेगा। चलो अगर मैं मान भी लूं कि सरोगेसी कर सकते हैं तो इज इट सेफ, इज इट लीगल? या ऑफ कोर्स। लेकिन कौन सी औरत मेरा और इशिता का बच्चा अपनी कोख में रखे? बहुत औरतें, जैसे ब्लड डोनर्स होते हैं, ऑर्गन डोनर्स होते हैं, ऐसे ही वूम डोनर्स भी होते हैं। उस औरत का तुम्हारे साथ लीगल टाइप होगा, प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स होंगे, एक कंप्लीटली हेल्थी औरत ही तुम्हारे बच्चे को कैरी कर पाएगी। डोंट वरी। आई डोंट नो, आई एम नॉट टू श्योर, मुझे इस तरह से पूछना पड़ेगा, खड़के नहीं सुनता है, प्लीज। यू थिंक सो? कोशिश करूंगा उससे बात करने की। आई डोंट नो हाउ शी इज गोना रिएक्ट। रमन गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? इस सब में उसकी कोई गलती नहीं। अरे शगुन जी, आप भाई को तो जानते हैं, वो कैसे हैं? उन्हें लगता है कि पूरी की पूरी फैमिली को इशिता भाभी ने बचाया और वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनका गिल्ट तभी कम होगा जब अशोक खन्ना को सजा मिलेगी, और शायद इसीलिए इशिता भाभी ने मुझे अकेले में मिलने बुलाया था। वो चाहती है कि मैं कुछ सबूत ढूंढूं, कोई गवाह ढूंढूं, कोई इन्फॉर्मेशन ले आऊं जिससे हम अशोक खन्ना को फंसा सकें। देखिए शगुन जी, आप तो अशोक खन्ना को बहुत अच्छे से जानती हैं, उसके साथ रह चुकी हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ आप उसके बारे में बता सकते हैं तो हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मैं भाभी को भी नहीं बता के आया हूँ कि आपसे मिलने आ रहा हूँ। अशोक खन्ना का गला घोटने में जो तसल्ली मुझे मिलेगी किसी और को नहीं मिलेगी। और प्लीज, इशिता को कुछ भी बताने या पूछने की कोई जरूरत नहीं। अशोक खन्ना की कमजोरी है उसका बिजनेस। जब मैं उसके साथ रहती थी वो काफी इलीगल डील्स करता था, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये कुछ भी आप मुझे बताइए, हो सकता है हम दोनों मिलकर कोई प्रूफ निकाल सकें, कोई सबूत। मायरोली में उसकी एक फैक्ट्री है जिसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता। मैंने उसे कई बार पूछने की कोशिश की पर उसने हर बात बात डाल। वहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इलीगल होता है। ये फैक्ट्री उसके डैड ने उसे सेटअप कर दी और उस फैक्ट्री से उसे बहुत फायदा होता है। आई एम श्योर अगर तुम उस फैक्ट्री में जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। यू आर श्योर नील? आई एम 100% श्योर। आप
बहुत घटिया इंसान है। वो अपने मेहरोली वाली फैक्ट्री में छोटे बच्चों से चीप तरीके से लीगल लेबर करवाता है, चीप पैसा देकर चीप दाम पे लोगों से काम करवाता है, अपनी फैक्ट्री चलाता है। घटिया आदमी है यशु खन्ना, ही इज डिस्गस्टिंग मैन। अभी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं उसके खिलाफ। जरूर करेंगे हम। जी बाबा। सर किसी में ये होता है कि बच्चा आपका ही रहेगा, तुम्हारा और इशिता का, लेकिन वो पलेगा किसी और औरत की कोख में। हम इशिता के फर्टिलाइज्ड एग्स किसी और औरत की कोख में रखेंगे, वहां से उस बच्चे को जो पोषण चाहिए वो मिलेगा, दैट्स इट, बच्चा तुम्हारा ही रहेगा। मनोज ने उम्मीद तो दी, क्या इशिता इस बात को मानेगी? एक औरत के लिए अपने बच्चे को पेट पे 9 महीना रखना क्या होता है मैं शायद समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन उम्मीद जाने भी नहीं दे सकता क्योंकि कहीं ना कहीं जानता ये बच्चा इशिता को भी उतना ही चाहिए जितना कि मुझे। अच्छा हमारा कोक किसी और की, लेकिन अगर सर किसी से पॉसिबल है तो उसे मना लूंगा। व्हाट ऑप्शन रमन, मैं सरोगसी का मतलब अच्छी तरह से जानती हूँ, आप नहीं समझ रहे हो। 9 महीने तक किसी दूसरी औरत के पेट में अपना बच्चा रखना, व्हाट्स द नीड, जरूरत क्या है? व्हाई नॉट, इतना कुछ होने के बाद जब एक और मौका मिल रहा है हमें हमारा बच्चा लेने के लिए कि तुम्हारा और मेरा बच्चा। हमारा बच्चा, हमारे बच्चे हैं रूही आदि। रमन इस पूरे एक्सीडेंट के बाद में मुझे एक ही बात समझ में आई है कि मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, उनसे बढ़ के मुझे और कोई चाहिए ही नहीं है। आई एम रियली हैप्पी विद माय चिल्ड्रन। रमन मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि हमने मिलके सपने देखे थे एक बच्चे को लेके, टूट गया सपना, भगवान की मर्जी थी, लेकिन उसके साथ साथ रमन आपको याद है ना कितने एक्सपेक्टेशंस टूटे हैं पूरी फैमिली के, रूही के, आदि के, कितनी रोई है हमारी रूही बेचारी। रमन सोचो हम फिर से उनके मन में एक्सपेक्टेशंस डालेंगे, ऐसे कुछ हो गया तो इवन सरोगसी कैन बी रिस्की, अगर सरोगसी में कुछ हो गया, उस मदर को कुछ हुआ तो क्या करेंगे हम? और हम यहाँ पे ध्यान दे ही क्यों रहे हैं? हमारी फैमिली कंप्लीट है रमन, हमारे पास और भी तो बहुत कुछ है ना सोचने के लिए। रूही आदि का फ्यूचर है, वो हमें प्लान करना है, उनका करियर देखना है। तो ऐसे बोली जैसे तीसरा बच्चा हो गया तो उनका करियर वहीं रुक जाएगा। You know what? तुम करो जो करना था। आप भूल गए राइट? आपको जाना है ना कहीं, आपके लिए आपके ऑनर में स्पेशल पार्टी रखी है मिस्टर बंसल ने। यू हैव टू गो, चलो गेट ड्रेस्ड। 15 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट तुमने पूरा किया तो पार्टी तुम्हारे लिए होगी ना, मुझे नहीं जाना कहीं। रमन क्यों जाओ, मतलब क्या है? कितने बड़े बड़े लोग आएंगे यहाँ पे, सारे डिग्निटरीज आ रहे हैं, दिल्ली के मिनिस्ट्री से लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे। एंड कोई भी आए, आपके ऑनर में पार्टी है रमन, आपको तो जाना ही चाहिए। तुम्हें भी तो इन्वाइट किया, तुम भी चलो। मैं नहीं आ सकती हूँ ना। क्यों? आदिया कल टेस्ट है, मुझे प्रिपरेशन करानी है। अच्छा वैसे भी क्या है कि मुझे सुपर माइंडेड विमेन बहुत कम होती है, मुझे लगता है कि कभी कभी ना पत्नी के बिना भी जाना चाहिए पार्टीज में। बात तो ऐसे करी जैसे बिना तेरे बोले फ्लर्ट करने की परमिशन दे देती है लोगों से। तो करना तो करो ना फ्लर्ट, मैंने कब मना किया है। हाँ बस ये है कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए थोड़ा हील वील पहनना पड़ेगा आपको, ताकि आंखों में आंखें डाल के देख सको। ऐसा है मगर सर, किसने कहा कि सिर्फ खड़े खड़े फ्लर्टिंग हो सकती है? क्या हुआ? I know you. अरे प्रॉब्लम क्या है? आपकी टांग खिंचाई करने की गड़बड़ है, करूंगी तो मैं ही फंसूंगी, रहने दो, मैं आदि को देखने जाऊं। क्यों रुक ना, मन छोड़ो, तुम्हारा दर्द साफ दिखाई देता है।
सपना तो हमारा पूरा होगा, चाहे कुछ भी।